अल्लाम वरहत लाला तबरकू मैं गदा चश्त सईद मोहम्मद चिश्ती गद्दी नशीन आसान आलिया चिश्तिया दरबार सुल्तान हिंद रसूल क़ुरबानी के मौजू पर कुछ बयान ज़रूरी समझा के करूँ और कुछ मसाइल जिनकी वजाहत इस दौरे हाजरा में ज़रूरी है और कुछ हमारे मुसलमान भाइयों में उन मसाइल को लेकर कश्मकश या उलझने या फिर क्लियरेंस नहीं है तो उन कुछ टॉपिक्स पे बयान होगा इन सरकारों के करम से हमें और आपको उन मसाइल पे बेहतर से बेहतर तरीके से अमल करने की हमें तोफ़ी मिले ये आने वाला महीना मुबारक महीना महीनाजा का महीना के जिसे ईद अभी भी कहते हैं कि जिसमें हज और कुर्बानी दो मशहूर अरकान हमारे अदा होते हैं सबसे पहले तो ईदाज का जो मीनिंग है वो मीनिंग क़ुरबानी की ईद इस्लाम में हमें जो दो ईदें मिलती हैं एक ईदालफ़ित्र और ईद तो मीठी ईद जिसे हम मशहूर रफ में कहते हैं और ये ईद येदाजी ये जिसे कुर्बानी की ईद कहते हैं किससे कुर्बानी दी जाती है कुर्बानी जानवर की दी जाती है और ये कुर्बानी का इब्तदा आगाज़ जो हज़रत इब्राहिम इद से हमें मिलता है कि जिसकी फर्जियत जिसकी वजूबियत हमें सरकार अलैहि वसल्लम <�णल्णु> ने हमारी शरीय महमद में उम्मत महम्मद में हम पर हुक्म फरमाया कि हमें ये फ़र्ज़ अदा करना है और कुर्बानी का जो वाक़ है वो हज़रत इब्राहीम से हमें जो मिलता है उसके बारे में सरकार दो वसम ने जब फ़रमाया अपने साहबा से कि तुम कुर्बानी करो तो साहबा ने पूछा या रसूल्ला कि ये किस तरीके से हमें मिली तो आपने जवाब फ़रमाया कि ये हमारे बाप इब्राहिम आसमाम की सुनत है और वह वाक़ यूँ था कि तारीख़ इंसानियत में कि इसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती हज़रत इब्राहिम अल्लाह के खलील खलील अल्लाह के दोस्त कि जिनको अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया जब जब हज़रत इब्राहिम सलाम का वाक़ कुरान पाक में हमें मिलता है वहाँ वहाँ खलील का जिक्र हमें मिलता है अल्लाह के दोस्त का जिक्र मिलता है अल्लाह के अलग अलग नबियों के अलग अलग मनसब हैं उन तमाम में सबसे अजीज़ और दोस्त का जो मनसब मिला है वो खलील को हज़रत इब्राहिम को मिला है हज़रत इब्राहिम का ये वाक़ा कि हज़रत इब्राहिम जब तकरीबन सौ साल के होने को हुए तब तक आपकी कोई औलाद बेटा नहीं था आपकी पहली बीवी सारा और दूसरी बीवी महाजरा पहली बीवी से आपको कोई औलाद बेटा नहीं हुआ तो आपने अल्लाह के हुजूर दुआ फरमाई। अल्लाह ने आपको दूसरी बीवी महाजरा से हजरत इस्माइल अता फरमाया ये उस उम्र में फरमा अता फरमाया कि जिस उम्र में इंसान का बुढ़ापे से भी एकदम आखिरी उम्र होती है अस्सी साल से बेजायित कासा के उम्र में अगर अल्लाह ताला की तरफ से नियामत मिलती है तो इस नियामत से कितना प्यार और कितना लाड कितना दुलार होता है इस प्यार से कोई इंसान तस्वुर ही कर सकता है और जिसके औलाद ना हो वो दो चंद साल के बाद ही अगर औलाद हो जाती है तो वो इतना खुश होता है और इतना अल्लाह का शुक्र अपने रब का शुक्र अदा करता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं तो अल्लाह ताली ने अपने खलील को तकरीबन सौ साल की उम्र में एक बेटा था फरमाया और वह बेटा भी ऐसा बेटा नहीं चांद सा बेटा और इतना प्यारा बेटा कि हज़रत इसमाइल की शक्ल में उनको मिला फिर उसके बाद रिवायतों में आता है कि जब हज़रत इस्मा सलाम बालग हो गए जो कुछ रिवायतों में तेरह साल की उम्र कुछ रिवायतों में बारह साल मुख्तल रिवायतों में जब बालग हो गए तो हज़रत इब्राहीम को ख्वाब आया क्या इब्राहीम ए खलील हमारी राह में अपनी सबसे अजीज चीज़ क़ुरबान करो हज़रत इब्राहीम उठे बेदार हुए आपने कई ऊंटों की कुर्बानी पेश की फिर दिन गुज़रा फिर हज़रत इब्राहीम को ख्वाब आया कि इब्राहीम हमारी राह में कुर्बानी पेश करो तो जब ये चीज़ दोबारा हुई सहबारा हुई तो हजरत इब्राहीम समझ गए कि मेरा रब मुझसे मेरे सबसे अज़ीज़ बेटे की कुर्बानी रहा है। इस पर आपने अपने रब से अपने खलील होने का हक अदा किया और सवाल ना किया और अपने बेटे के पास पहुँचे और अपनी बीवी को कहा कि इस्माइल को तैयार करो दोस्त से खलील से मिलाने ले जाना माँ जब अपने बेटे को अपने शोहर के साथ कहीं भेजती है फितरी चीज़ है तो सजाती है सवारती है अच्छे से तैयार करती है और कहीं जाने का होता है तब तो उसे अच्छे कपड़े पहनाती है सब कुछ तैयार करके उसे अपने शोर के साथ भेजती है इसी तरीके से माँ हाजरा ने भी अपनी आँखों की ठंडक हज़रत इस्माइल को तैयार किया सजाया संवारा और हज़रत इब्राहिम के साथ भेज दिया हज़रत इब्राहिम सलाम चल पड़े जब चलते हैं तो इबली शैतान ने देखा कि इब्राहिम फिर से इलाही में एक बड़ी कुर्बानी देने जा रहा है एक बड़ा नेक अमल करने जा रहा है कि उससे उसका रब राज़ी हो जाएगा और चूँकि शैतान को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई भी अल्लाह का बंदा अल्लाह के करीब हो जाए अल्लाह की हुक्म को अदा कर सके अल्लाह के बताए हुए अहकामों पर चले तो उसने बहकाना शुरू किया हज़रत इब्राहिम से कहा कि ए इब्राहिम ये तुम्हारे इस बुढ़ापे का सहारा है इस उम्र में तुम्हारा ये बच्चा है और इतना खूबसूरत बच्चा है इतना छोटा मासूम बच्चा है इसको तुम कुर्बान कर दोगे तो हज़रत इब्राहिम इब्राहीम ने उसको धुतकार दिया अब फिर शैतान ने देखा नहीं इब्राहिम नहीं बहकेगा इसमें हज़रत इस्माइल के पास गया और हज़रत इसमाइल को बहकाने की कोशिश की क्या इस्माइल तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा वालद तुम्हारा बाप तुम्हें कहाँ ले जा रहा है इस्माईल को उसने बताया कि तुम्हें किसी दोस्त के पास नहीं किसी दावत में नहीं तुम्हें बाह करने के लिए ले जा रहा है हैज़रत इसमाइल आल्लम अल्लाह के नेक बंदे अपने वालिद के इस रवैये इस अमल पे आप राजी रहे और आपने भी शैतान को धुतकार दिया कि अगर मेरे वालिद, मेरे रब के रजा के लिए मुझे कुर्बान करना चाहते हैं तो मैं ख़ुशी खुशी कुर्बान होने को तैयार हूँ एक जान नहीं हज़ार कुर्बान। शैतान ने देखा कि ये भी नहीं बहके वो भी नहीं बहके तुम हाजरा के पास गया हाजरा क्या तुम्हें पता है इस्माइल कहाँ गया है महाजरा ने बताया कि हज़रत इब्राहिम इब्राहीम उन्हें अपने दोस्त अपने खलील के पास ले गए शैतान ने बोला कि वो उस दोस्त से दावत में या मुलाकात के लिए नहीं वो उसे बा करने के लिए ले गए महाजरा ने बोला कि अगर वो रब की रज़ा के लिए हैं तो मैं इस पर राजूँगा एक इस्माइल नहीं हज़ार इस्माइल कुर्बान ये वाक़ हो गया इस पर कंकर पड़े भगाया गया तो ये भी अदा रब को पसंद आई और आज तक वजात जो भी हैं जब जाते हैं तो शैतान को कंकर मारते हैं और अपना हज का एक रुकन अदा करते हैं जब ये चीज़ उस वाक़े को पूरा हो गई और वहाँ मंजिल पर पहुँचे कि जहाँ कुरबान ग बनाई गई और कि यहाँ पर कुरबान किया जाए तो हज़रत इब्राहीम आसमाम अपने साथ रस्सी भी लाए थे छुरी भी लाए थे हज़रत इब्राहिम इब्राहीम ने अपने बेटे को कहा मेरे बेटे मैं तुम्हें रब की रज़ा के लिए कुरबान करने के लिए लाया और रब का ये पैगाम मुझे मिला है तुम इसमें क्या कहते हो ये बाकायदा कुरान शिफ़ की आयातों का मफहूम है कि उसमें भी तरतीब एक के बाद एक आयत में बे तफसी ये वाक़ बयान है कि सवाल किया कि तुम क्या कहते हो तज़रत तो इस्माईल ने जवाब दिया जो कि कुरान की आयतों में है इफ़ाइल मात उमर क्या आपको जो हुक्म दिया गया है वो करिए मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है ये मफहो तो तज़रत इब्राहीम ने रस्सी ली हज़रत इस्माईल आमाम को बांधा और उसके बाद आपने लेटाने के लिए उस उनको तैयार किया और छुरी एकदम साथ रखी हजरत इस्मा सलाम की मोहब्बत इस बुढ़ापे की उम्र में गालिब ना आ जाए बेटे की मोहब्बत गालिब ना आ जाए तो इसलिए हज़रत इब्राहिम इब्राहीम ने अपनी आँखों पर पट्टी बांध बांधी कि मेरा नफ्स मुझ पर गालिब ना हो जाए मैं अपने बेटे की मोहब्बत में ज़्यादा मेरे हाथ कांप ना जाएँ और मैं कुर्बानी पेश करने से कासिर हो जाऊँ इस फ़िक्र से बचने के लिए हज़रत इब्राहिम इब्राहीम ने अपनी आँखों पर पट्टी बांधी जब हज़रत इस्माइल ने यह देखा तो हज़रत इस्माइल ने कहा मेरे रब के रज़ा पर राजी होने वाले अय मेरे बाप आप मेरे रस्सियों को खोल दीजिए कि हज़रत इस्माइल ने जब यह कहा तो हज़रत इब्राहिम ने पूछा क्यों हजरत इस्माइल ने मुबसरिन और अहल बसीरत ये बयान करते हैं कि हज़रत इस्माइल का ये कहना यूँ इसलिए था कि तारीख़ इंसानियत कहीं ये ना कह दे कि बाप ने जुल्म करके हाथ पैर बांध के बेटे को कुर्बान कर दिया नहीं वहाँ पे बेटा भी रब की रज़ा में कुर्बान होने को तैयार है बाप भी रब की रज़ा में कुर्बान क़ुरबान को तैयार है तो हज़रत इस्माइल के हाथ खोल दिए गए रस्सी खोल दी गई हज़रत इस्माईल सलाम ख़ुद अपनी रज़ा से वहाँ कुर्बानी के लिए पेश कर दिया अपने आप को जब हज़रत इसमाइल आसमाम ने अपने आप को पेश कर दिया हज़रत इब्राहीम ने अपनी आँखों पर पट्टी बांधी और छुरी चलाई एक मरतबा चलाई जो नहीं चली तो हज़रत इब्राहीम ने देखा और आपको जलाल आया तो आपने वो छुरी उठाई और ज़मीन पर मारी वहाँ लकड़ी का टुकड़ा तो था वो छुरी इतनी तेज़ थी कि वो लकड़ी अपने आप वो एकदम एक बार में कट गई फिर हज़रत इब्राहिम सलाम ने छुरी उठाई फिर उसे तेज़ किया फिर हजरत इस्मा को लेटाया फिर आँखों पर पट्टी बांधी अब की मरतबा जब चलाया और हल्क पे छुरी चल गई खून का एहसास हुआ आपने अपनी पट्टी खोली तो देखा कि वहाँ पर हज़रत इसमाइल नहीं ज़िबा हुए हैं एक दुम्बा ब और हजरत इस्माइल आल्लम वहीं किनारे खड़े होकर अपने वालिद को देख रहे हैं और मुस्कराए तो ये वाक़ा इस चीज़ का है कि कुर्बानी देने वाला अपने रब की रज़ा के लिए कुर्बानी दे तो ये पूरा वाक़ हज़रत इसमायल और हज़रत इब्राहीम की इस इसार कुर्बानी का जो हमें आज तक तल्कन देता है सबक देता है कि रब की रज़ा के लिए हमें अपनी अजीज़ से अजीज़ तर भी चीज़ कुर्बान करनी पड़े किसी भी उम्र की मंजिल में तो हमें क़ुरबान करनी चाहिए